हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है। बहुत ही एक गंभीर रोग है। लगभग 10% लोग आज पूरे विश्व में, अगर हम देखें तो, डायबिटीज़ से पीड़ित हैं। और भारत के अंदर तो आपको मालूम ही है कि डायबिटीज़ रोग बहुत तेज़ी से फैल रहा है। यहाँ तक कि हमने पढ़ा है कहीं पर कि WHO ने भारत को डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड घोषित कर दिया गया, यानी कि भारत के अंदर बहुत तेज़ी से ये रोग फैल रहा है। एक समय में ये रोग माना जाता था कि अमीरों का रोग है, जो लोग बैठे रहते हैं, लाला लोग जो हैं, कहते थे उन्हीं को डायबिटीज़ होती है। आज मजदूर को भी डायबिटीज़ हो रही है, आज एक खेत में काम करने वाले किसान को भी डायबिटीज़ हो रही है। कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। और जब आयुर्वेद की हम बात करते हैं तो आयुर्वेद में हम थोड़ा चर्चा को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, गहराइयों तक ले जाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ हो जाती है तो उसका एक ही काम रहता है, एक गोली खाते हैं जिससे उनका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में आ जाए और वो कहते हैं बस शुगर मेरा नॉर्मल है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयुर्वेद में इस तरह से नहीं है। आयुर्वेद में 20 प्रकार के प्रमेह रोगों का वर्णन है। उसमें से एक मधुमेह रोग है। और मधुमेह का भी जब हम देखें, रूट कॉज में जाएं, तो बहुत सारे उसमें जो है कारण हो सकते हैं। कभी कभार किसी और सिस्टम की खराबी के कारण आपको मधुमेह हो सकता है। कभी कभार आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर पाचन आपका ठीक नहीं है, आम बन रहा है, वो जाकर के पेनक्रियाज में जमा हो जाता है, इंसुलिन रिलीज नहीं हो पाती है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के कारण भी डायबिटीज़ हो सकता है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल के कारण। और आजकल बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ हो रहा है दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से। कोरोना में बहुत लोगों को डायबिटीज़ हुई। और स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण है इसमें। जिन लोगों को तनाव रहता है, मानसिक तनाव रहता है, एंग्जाइटी रहती है, या किसी तरह की कोई इमोशनल प्रॉब्लम चल रही है। तो आपको मैंने थोड़ा सा समझाया, ये तो थोड़ा सा समझाया। जब आप हमारे पास आएंगे तो और विस्तार से हम बात करते हैं, और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि आपकी डायबिटीज़ का क्या कारण है। जब तक आप उस कारण को ठीक नहीं करेंगे तब तक आपका ब्लड शुगर जो है वो बेशक कंट्रोल रहे, अंदर रोग मौजूद है। और ये जो रोग अंदर मौजूद रहता है बहुत तरह के डैमेज करता है, किडनी ख़राब करता है, आपकी आँखों में अंधापन करता है, आपके हार्ट को ख़राब करता है, नसों को ख़राब करता है, कई लोगों के पैर काटना पड़ता है, डायबिटिक फुट आपने सुना होगा। तो इसको हल्के में नहीं लेना है, लाइटली नहीं लेना है। आज ये जो डायबिटीज़ डे हम लोग मना रहे हैं, कम से कम आज एक प्रण करें कि हम आयुर्वेद से जुड़ करके अपने डायबिटीज़ को समझें, अपने लाइफस्टाइल को ठीक करें, अपने खान पान को ठीक करें, नेचुरल मेडिसन्स जो कि रूट कॉज पर काम करेंगी उसको लेकर के अपने इस डायबिटीज़ को हम मैनेज करें। और आपको मैं ये बता दूं कि डायबिटीज़ के लिए एक विशेष प्रोग्राम जीवा ने लॉन्च किया हुआ है। बहुत दिन हो गए हैं इसको, काफ़ी अच्छा सफल प्रोग्राम है जिसमें हम लोग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, सेंसर का प्रयोग करते हैं। और वो सेंसर जो है हमें हर 15 मिनट की खबर देता है, बताता है कि किस समय आपकी शुगर बढ़ती है, कब कम होती है। और उसके अनुसार फिर हमारे जो हैं डॉक्टर्स, हमारे न्यूट्रिशन से संबंधित एक्सपर्ट्स, हमारे जो हेल्थ कोच या योगाचार्य, जो भी आपको आवश्यकता पड़ती है, वो सब लोग आपके साथ जुड़ते हैं, आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड प्रोग्राम बनाते हैं। और यही मैं आपसे निवेदन करता हूँ बार बार कि आप लोग अपने हेल्थ के प्रति थोड़ा सा जागरूक होइए, थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है और आयुर्वेद से जुड़ने की ज़रूरत है। बाकी काम हमारा है। एक बार जब आप आयुर्वेद से जुड़ते हैं तो आपको केवल हम औषधि नहीं देते, आपकी पूरी लाइफ को हम बदलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर एक आती है। क्योंकि आपको हम सक्षम बनाते हैं, आपको शिक्षित करते हैं आपके रोग के बारे में, आपकी प्रकृति के बारे में, आपके खान पान के बारे में। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आयुर्वेद से जुड़ें। और आइए आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के इस दिन हम सभी लोग ये प्रण करें कि हम न केवल डायबिटीज़, कोई भी रोग हो उसको आयुर्वेद के माध्यम से हम उसका उपचार करेंगे और अपने आप को स्वस्थ और सुखी बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।